उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में पूर्व विधायक प्रेमानंद महाजन के नेतृत्व में हरिपुरा जलाशय में अधिग्रहण की गई भूमि के बदले में दिए गए पट्टे पर निवासरत ग्राम सभा कोपा के दर्जनों बुक्सा जनजाति व अन्य सामान्य जाति के लोगों ने जिलाधिकारी से पट्टे की भूमि को भूमि दरी करने की मांग की है। जिलाधिकारी को दिए गए ज्ञापन के समय पूर्व विधायक प्रेमानंद महाजन ने बताया कि जब हरिपुरा जलाशय का निर्माण हुआ था तब किसानों से उनकी भूमि ले ली गई थी। बदले में वन विभाग की भूमि पर 1972 में सरकारी पट्टा दिया गया था। उक्त भूमि पर आज भी लोग कृषि कर रहे हैं, परंतु उन्हें किसी भी प्रकार का सरकारी लाभ नहीं मिल पा रहा है। मांगे जो थी हमारे जो हरिपुरा जलाशय में जो ज़मीनें गई हैं तो उसके बदले में हमको जहां ज़मीन दी गई थी वन क्षेत्र में, तो अभी तक ये ज़मीन जो है हमारी राजस्व में नहीं आई है कि जिससे हमें कोई भी काश्तकारों को कोई लाभ नहीं मिल रहा है ना। और उसके बाद हमको खाली पट्टे पकड़ा दिए गए हैं, पट्टे की कोई वैल्यू नहीं है, है नहीं, पट्टे की कोई वैल्यू नहीं है। जो सरकार से जो भी योजना आती है वो हमको लाभ नहीं, काश्तकारों को नहीं मिल रहा है। और उसके बाद लगभग 50 साल हो गए होंगे, अभी तक जो है हम काफ़ी मंत्री लोगों को और विधायकों को अपनी मांग दरखास्त देती रही और हमारी अभी तक कोई भी सरकार सुनाई नहीं कर रही है। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।